व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, नेम बताना है डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए का। तो हम लोग देखते हैं पहले डीएनए क्या है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस। डीएनए जो है सो एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये जो है सो हेरिडिटरी मटेरियल है ह्यूमंस का। एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म और लगभग जो है सो सभी ऑर्गेनिज्म का। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, जीन्स जो रहती है वो डीएनए से बनी रहती है। तो अब हम ये देख लिए, अब देखते हैं डिफरेंस टाइप ऑफ डीएनए क्या क्या होता है। डिफरेंस टाइप ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। नेम हो गया तीन टाइप डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस क्या है दोनों का बताना है। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा डीएनए और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट होगा डीएनए का थायमिन बेसिस आर प्रेजेंट अलोंग विथ एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। थायमिन बेसिस प्रेजेंट होगा एडेनिन के साथ ग्वानिन के साथ और साइटोसिन के साथ डीएनए में। लेकिन आरएनए का जो देखते हैं, आरएनए में यूरासिल बेसिस आर प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन के प्लेस पे यूरासिल प्रेजेंट होगा आरएनए में, लेकिन डीएनए में जो है सो एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन रहता है प्रेजेंट। डीएनए का देखते हैं, डीएनए मेक्स एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जो है सो एमआरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। आरएनए में देखते हैं आरएनए का पॉइंट क्या होगा। आरएनए मेक्स प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आरएनए जो है सो प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरएनए स्टेबल होगा, सॉरी डीएनए स्टेबल होगा और आरएनए अनस्टेबल होगा। डीएनए का ये पॉइंट है, टू डियोक्सराइबोस सुगर होगा डीएनए में और आरएनए में राइबोस सुगर होगा। तो हम लोग देख लिए कि डीएनए जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा, आरएनए अनस्टेबल रहेगा। डीएनए में टू डियोक्सराइबोस सुगर प्रेजेंट होगा और इसमें